नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। मिल्कफेड ने बाजार में उतारी शुगर फ्री मिठाइयां, मुख्यमंत्री ने किया नए उत्पादों का शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर से मिल्कफेड के नए उत्पादों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दुग्ध प्रसंग को बाजार में मांग आधारित उत्पाद तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड ने गिफ्ट पैक शादी की भाजी और शुगर फ्री मिठाइयां बाजार में उतारी है। नए गिफ्ट पैक 3 तरह की पैकिंग में उपलब्ध होंगे जिनका मूल्य क्रमशः 620, 1000 तथा 1500 रुपए रखा गया है। अब ट्रैवल एजेंट्स और टैक्सी ऑपरेटरों से ठगी कर रहे छाते, जाने पूरा मामला। प्राकृतिक आपदा की मार झेल चुके हिमाचल के ट्रैवल एजेंट्स और टैक्सी ऑपरेटर अब शातिरों के निशाने पर हैं। चंडीगढ़ दिल्ली एयरपोर्ट समेत कालका अंबाला रेलवे स्टेशन से बुकिंग का झांसा देकर ठगी की जा रही है। ट्रैवल एजेंट्स और टैक्सी ऑपरेटरों को पैकेज बुकिंग का झांसा देकर शातिर उन्हें एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बुला रहे हैं। पैकेज के आस में ट्रैवल एजेंट और टैक्सी ऑपरेटर अपने चालकों को तुरंत टूरिस्टों को लाने के लिए भेज देते हैं। चालक का नंबर मिलते ही छात्र तुरंत फोन कर चालक से पेमेंट ऐप के जरिए पैसे हैं और मिलने पर पैकेज के साथ पैसा लौटाने की मांग करते हैं। पैकेज हाथ से न निकल जाए इसलिए चालक भी पैसा भेज देते हैं, लेकिन जब टैक्सी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो वहां टूरिस्ट नहीं मिलता। अगर चालक फोन करे तो पहले कोई फोन नहीं सुनता, सुन ले तो गाली गलौज की जाती है। शिमला कुल्लू मनाली सहित प्रदेश के अन्य पर्यटक स्थलों के पर्यटन कारोबारियों के साथ ऐसी ठगी हो चुकी है। इसको लेकर चंडीगढ़ और दिल्ली में शिकायतें भी दर्ज करवाई गई है। युवक के साथ पहले की मारपीट, फिर जला दी गाड़ी, मामला दर्ज। पतली कुहल थाना के तहत दुआड़ा में एक युवक के साथ ये लोगों ने पहले तो मारपीट की, फिर उसकी गाड़ी को आग लगा दी। युवक की शिकायत पर अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दिए शिकायत पत्र में रजत वर्मा पुत्र राजेश कुमार निवासी गांव दुआड़ा डाकाघर डोभी तहसील व जिला कुल्लू ने कहा है कि 19 अक्टूबर को शाम के समय आरोपी सोनू और उसके 3 साथियों ने दुआड़ा में उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे गहरी चोटें आई हैं। नवरात्र में भी फीका रहेगा वीकेंड, 30-40% कमरे बुक। राजधानी शिमला में इस बार नवरात्र के दौरान भी वीकेंड फीका रहेगा। इस वीकेंड के लिए होटलों में 30-40% ही कमरे बुक हैं। हर वर्ष नवरात्र के दौरान दुर्गा पूजा के लिए बंगाल, गुजरात और राजस्थान से सैलानी बड़ी संख्या में शिमला आते हैं, लेकिन इस बार पर्यटक वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की वजह से कम लोग ही शिमला पहुंचे हैं। हालांकि बुधवार को शिमला होटल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से भी शुल्क घटाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने उन्हें जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। होटल कारोबारियों का कहना है कि शुल्क कम होने के साथ ही सैलानी शिमला में आना शुरू करेंगे और उनका कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। पेपर लीक मामला, एसआईटी ने जेई सिविल पेपर लीक मामले की कोर्ट को दी जानकारी, अगली सुनवाई 30 को। जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड 970 पेपर लीक मामले में वीरवार को एसआईटी ने हमीरपुर जिला सत्र न्यायालय में अपना पक्ष रखा। एसआईटी ने अदालत को जेई सिविल पेपर लीक मामले में संलिप्त आरोपियों की भूमिका की जानकारी दी। एसआईटी ने अदालत से तीनों आरोपियों के पुलिस रिमांड की मांग की है। अब इस मामले में अदालत ने 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। एसआईटी ने विजिलेंस थाना हमीरपुर में पोस्ट कोड 970 जूनियर इंजीनियर पेपर लीक मामले में एचएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कंवर, खास ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार, अभ्यर्थी मुकेश कुमार और अभ्यर्थी के पिता रंजीत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। जिंदल बोले, हिमाचल का काला अध्याय, आश्वासन के बाद 167 जे के बर्खास्त। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर कांग्रेस सरकार ने अन्यायपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की घोषणाएं की। सीएम का चुनावी वीडियो भी इस विषय को लेकर वायरल हो रहा है। लंबे समय से लगातार 4700 कर्मचारी हड़ताल पर है। सरकार के बार बार आश्वासन देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ।